वेलकम बेक। पूर्वोत्तर भारत राज्य आसाम में भारे वरसाद पड़ी रहा है। राज्य 20 जिलों में लगभग 1.2 लाख लोग पूर की तबाही सामनो कर रहा है। लोग ने अं पारावार मुश्किल सामनो करव पड़ी रो। चौमासानी शुरूआतनी साथे ज आसाममां आकाशमांथी वरसेलू पाणी तबाही लईने आव्युं छे। भारे वरसाद बाद नदीओ गांडीतूर बनी छे, जेना कारणे पूरना पाणी चारे तरफ वळी रह्या छे। आसाम स्टेट डिझास्टर मेनेजमेंट ऑथोरिटी रिपोर्ट प्रमाणे राज्यमां 20 जिल्लाना 1,19,800 वधु लोको पूरथी प्रभावित थया छे, जेमां नलबाड़ी जिल्लो पूरथी सौथी वधु प्रभावित छे। अहीं लगभग 45,000 लोको असरग्रस्त थया छे अने त्यारबाद 26,500 वधु साथे बक्सा अने 25,000 वधु साथे लखीमपुर जिल्लो पूरथी प्रभावित थयो छे। लोकोने मदद करवा माटे वहीवटी तंत्र 5 जिल्लामां 14 राहत शिबिर चलावी रह्यु छे, ज्यां 2,091 लोकोए आश्रय लीधो छे अने 5 जिल्लामां 17 राहत वितरण केन्द्र चाली रह्या छे। नलबाड़ीमां चारे तरफ मात्र पाणी ज देखाय छे। पोताना पशुओने बचाववा माटे लोको तेमने पाणीमांथी बहार काढीने सुरक्षित जग्याए लई जई रह्या छे। ते ज समये आ पूरमां घणा लोकोना घरोने नुकसान थयुं छे। पूरना पाणी नलबाड़ीना लोको माटे तबाही लईने आव्युं छे। एक वृद्ध ज्यारे पोतानी वात कही रह्या हता त्यारे तेमनी आँखोमांथी पूर सामेनी लाचारीनी वेदना सरी पड़ी। लेकिन अचानक से पाणी आ गया और पूरा खर दुबा कर ले गया। अभी अंदर पानी है, कितना फुट पानी है? कम से कम कमर तक तो आ जाता है, मतलब 4-5 फुट। तो अंदर में जितने भी सामान थे सब कुछ ये रहेगा ना? थोड़ा बहुत तो रह गया, लेकिन जितना निकल सकते थे इतना तो निकल लिया है हमने। कुछ तो है अंदर में, निकल नहीं सका, जो जितना आगे जितना हो सकता है उतना निकल दिया, ज्यादा नहीं निकल पाया। ये रेशन चावल दाल अभी कुछ भी नहीं है, कोई आया भी नहीं है खबर लेने के लिए, कोई भी नहीं आया। आर्मी, अर्धलश्करी दड़ो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एनजीओ अने स्थानिक लोकोए अत्यार सुधीमां पूर प्रभावित विस्तारोमांथी 1,280 लोकोने बचाव्या छे। पूरना कारणे लगभग 750 गामो पाणीमां डूबी गया छे, ज्यारे 10,000 वधु हेक્ટરમાં પાકનો નાશ થયો છે। રાજ્યમાં ભારે વરસાદના કારણે હવામાન વિભાગે ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કર્યું છે। આ સાથે થોડા દિવસો સુધી વરસાદની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ GSTV। वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थतंत्र विकास दर में आगेकूद जोवा मळी शके, जेना कारणे अमेरिकानी रेटिंग एजेंसी फिंच रेटिंग्से चालू नाणाकीय वर्ष माटे भारतनो जीडीपी नो अंदाज वधारी दीधो छे। फिंच नुं मानवुं छे कि वर्ष 2023-24 में भारतनो जीडीपी 6.3% रही शके छे। भारतीय अर्थतंत्र माटे ग्रोथना संदर्भ में सारा समाचार आया छे। रेटिंग एजेंसी फीचे चालू नाणाकीय वर्ष 2023-24 माटे भारतीय अर्थव्यवस्थाना जीडीपी वृद्धि अनुमान ने वधारी दीधु छे। चालू नाणाकीय वर्षना प्रथम त्रिमासिक गाळामां मजबूत परिणामों अने टूंका गाळामां अर्थतंत्र ने वेग मळवाने ध्यानमां राखी अने फीचे तेना अनुमानमां सुधारो कर्यो छे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीए अगाउ आगाही करी हती कि वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थतंत्र 6.0% दरे वृद्धि पामशे, जो कि एजेंसीए हवे तेमा सुधारो करी अने 6.3% जीडीपी नो अंदाज मुक्यो छे। માર્ચની શરૂઆતમાં ફીચે ઊંચો ફુગાવો અને ઊંચા વ્યાજદરો તથા નબળી વૈશ્વિક માંગને ધ્યાનમાં રાખીને વર્ષ 2023-24 માટે ભારતની વૃદ્ધિનું અનુમાન 6.2%થી ઘટાડી અને 6% કર્યું હતું। ત્યારે હવે એજન્સીએ કહ્યું છે કે ભારતની અર્થવ્યવસ્થા વ્યાપક રીતે મજબૂત છે। ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં જીડીપી વાર્ષિક ધોરણે 6.1% વધ્યો છે। ઉપરાંત તાજેતરના મહિનાઓમાં વાહનોનું વેચાણ, પીએમઆઈ સર્વેક્ષણ અને ક્રેડિટ વૃદ્ધિ મજબૂત રહી છે। આ કારણોસર અમે માર્ચ 2024ના રોજ પૂરા થતા નાણાકીય વર્ષ માટે અમારો અંદાજ વધારી અને 6.3% કર્યો છે। આ પહેલા પણ નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં ભારતનો વિકાસ દર 7.2% હતો, જ્યારે કે 2021-22માં દેશની અર્થવ્યવસ્થા 9.1% દરે વૃદ્ધિ પામી હતી।
ફિંચે 24 અને 25 તેમજ 25-26 માં ભારતનું જીડીપી 6.5% રહેવાનો અંદાજ રજૂ કર્યો છે. રેટિંગ એજન્સીએ કહ્યું છે કે જાન્યુઆરી માર્ચ ક્વાર્ટરમાં જીડીપી વૃદ્ધિ દર અપેક્ષા કરતા વધારે રહ્યો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, જીએસટીવી.